ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त है कोरोना टॉप 10 का। तो बिना देर किए देखिए कोरोना काल की 10 अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी बहुत संतोष की बात है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों से संवाद किया। रोजगार योजना के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट में पीएम मोदी ने देश को मंत्र दिया है, कई बड़े फैसले लिए। अब कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया था, सीएम योगी ने बताया 35,92,000 प्रवासी उत्तर प्रदेश लौटे हैं। प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी मिलेगी। सूबे की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने प्रदर्शन के लिए उतरे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी इसी बीच बढ़ गई कि पुलिस पर लाठियां चलानी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। कई बार पुलिस ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचने से पहले बलपूर्वक रोकने की कोशिश भी की। बिना मास्क पहने अब अगर किसी ने अपना वाहन चलाया तो ऑनलाइन चलान घर पर पहुंच जाएगा। जी हां, देहरादून की सड़कों पर लगे रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट के ऑनलाइन चालान वाले कैमरे अब बिना मास्क पहने वाहन चलाने वालों को भी कैप्चर करेंगे। इसके लिए देहरादून पुलिस फॉर्मेट तैयार कर रही है। नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान है। देहरादून की सड़कों पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान के कैमरे में अब बिना मास्क के वाहन चालक भी कैद होंगे। सीमांत खटीमा इलाके में 7 दिन पहले दिल्ली से आई होम क्वारंटीन 75 वर्षीय महिला के कोरोना संक्रमित निकलने से पचौरिया गांव में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने महिला के संक्रमित होने की रिपोर्ट मिलते ही जहां महिला को रुद्रपुर कोरोना केयर हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया है, वहीं संक्रमित बुजुर्ग महिला के पचौरिया गांव में आसपास के इलाकों को सील कर उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया है। देश में जहां लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं इससे लड़ने को लेकर देशवासियों के जुनून और सरकारी मशीनरी द्वारा नित नए प्रयोग से लगातार एक उम्मीद की किरण इस महामारी को पछाड़ती नजर आ रही है। DRDO द्वारा अप्रूव्ड PPE किट बनाए जाने की फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। इसमें 7 प्रकार की PPE किट का सैंपल मॉडल DRDO को भेजा गया था। इसके बाद DRDO और शिप्रा द्वारा 7 प्रकार के PPE किट को सेलेक्ट करके बनाने की अनुमति भी प्राप्त हो गई है। श्रावस्ती में लगातार बारिश के चलते राप्ती नदी उफान पर आ गई है, जिससे जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और कई गांवों का संपर्क रास्तों से कट गया है। साथ ही भीषण कटाव से भी लोग दहशत में हैं। उनकी आंखों के सामने ही कई आशियाने नदी में समा चुके हैं, जिससे वे भयभीत हैं। लोगों को डर सता रहा है कि ऐसे ही अगर राप्ती नदी में जलस्तर बढ़ता गया तो उनका भी घर बाढ़ की जद में आ जाएगा, लिहाजा वो डर कर ही फिलहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने देर रात ऑपरेशन टिड्डी चलाया। इसके तहत 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 मैनुअल स्प्रेयर के साथ प्रशासनिक टीम पिंडरा ब्लॉक के राजपुर नेपर गांव में उतरी और अभियान चलाकर छिड़काव करके टिड्डियों को भगाया। इस पूरे अभियान में वाराणसी जिला अधिकारी मौजूद रहे। ऑपरेशन टिड्डी रात 10 बजे से शुरू हुआ और सुबह 3 बजे तक चला। आपको बता दें कि कल वाराणसी के आसमान में टिड्डियां दिखी तो दहशत फैल गई, किसान चिंतित हो गए और प्रशासन ने सतर्कता अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। तेज आंधी और भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 12 जिलों में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई जिलों में पशुओं की भी मौत हुई है।
बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत देवरिया जिले में हुई है, जबकि 6 लोगों की मौत प्रयागराज जिले में हुई। बिजली का सबसे खतरनाक असर गोरखपुर बस्ती मंडल पर पड़ा, जहां 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए। वाराणसी के बड़गांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। यहां अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग हादसे में घायल हो गए। पास के ही जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।